अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौली हजीम हाजिर अपने एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक मीठी डिश लेकर आया हूँ। बहुत मज़े की है, बहुत आसान है बनाना, ट्रेडिशनल रेसिपी है। दोस्तों मैंने पहले आपको जो है स्वीट राइस बनाना सिखाए थे कलरफुल, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा उसका भी। और मैंने आपको एक जो जर्दा की रेसिपी भी दी थी लाहौरी जर्दा की, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का मेवे वाला जर्दा लेकर आया हूँ। दोस्तों बनाना बहुत आसान है, बगैर शीरे के हम बनाएंगे। पहले इसमें कोई शीरा नहीं बनाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। मेवे वाला ज़र्दा यानी किशमिश वाला ज़र्दा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके के साथ। दोस्तों मेवे वाला ज़र्दा बनाने के लिए यानी किशमिश ज़र्दा बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब जो है चावल भिगो के रखे हुए। आप सिंपल चावल ले लें, बासमती चावल ले लें, कोई से भी ले लें। मैंने इस तरह का कप लेकर बिल्कुल लेवल्ड जो है 1 कप के करीब चावल इसमें डाले और इसी कप को मैयर करके मैंने लेवल्ड 3 कप पानी डाला हुआ है। तो आधा घंटा हो गया तक से भीगे हुए। तो दोस्तों अगर गर्मी है तो आपने कम से कम इसे आधा घंटा भिगोना है और अगर सर्दियां तो कम से कम 2 घंटे लाजमी भिगोना है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब किशमिश लेके पानी में भिगो के रखी हुई है। और दोस्तों 3 टेबल स्पून हमें वेजिटेबल घी चाहिए। अगर देसी घी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं। आप जो आर्टिफिशियल घी होता है डालडा का या सूफी वालों का वो यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ आपने तेल नहीं लेना, तेल के साथ जो है ये जो मीठे चावल होते हैं या कोई से भी चावल अच्छे नहीं बनते, आपने हमेशा घी यूज़ करना है। और दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने कोकोनट के जो पीसीस लेकर छोटे छोटे सरा कट किए हुए, ये देखिए। और दोस्तों 5 हमें सब्ज़ इलायची चाहिए, यहाँ पे मैंने तोड़ कर रखे हुए, दाने अलग करके रखे हुए। और दोस्तों 1/2 कप के करीब मैं चीनी ले रहा हूँ। अगर आप मीठा तेज़ का तो आप 1 कप डाल दीजिएगा, लेकिन 1/2 कप काफ़ी है क्योंकि हम बीच में रेजन भी शामिल कर रहे हैं, किशमिश भी शामिल कर रहे हैं, उसकी अपनी भी मिठास होती है। और मैंने इसी कप के साथ मैयर किया है, 1/2 कप के करीब मैंने चीनी ली है। और दोस्तों 2 टेबल स्पून हमें चाहिए ड्राई मिल्क, ये मिल्क पाउडर है तो इजीली मार्केट में मिल जाता है, ये 2 टेबल स्पून हमें चाहिए। और दोस्तों ये है फूड कलर, येलो फूड कलर, ये मैं थोड़ा सा तेज़ यूज़ करूँगा, 1/4 टीस्पून के करीब यूज़ करूँगा। चले दोस्तों किशमिश वाला ज़र्दा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन रख लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर वेजिटेबल घी शामिल करेंगे। दोस्तों आपने इसी तरीके के साथ बनाना है, आपका ये बहुत अच्छा बनेगा। घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लें। सबसे पहले हम इसके अंदर सब्ज़ इलायची शामिल करेंगे, इसे कड़कड़ाएंगे। जस्ट 1 से 2 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, ये हो गया। दोस्तों इसके बाद हम साथ ही चावल इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही कोकोनट शामिल कर देंगे, थोड़े से बचाएंगे ऊपर गार्निश के लिए। इसे हल्के से मिक्सअप कर लें। साथ ही मिल्क पाउडर शामिल कर दें। मिक्स कर लें इसे हल्के हल्के साथ। फिर दोस्तों साथ इसमें हम 1/2 कप के करीब जो चीनी मैंने आपको बताई वो शामिल कर देंगे। और 1/4 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर ज़र्दा कलर जो है येलो कलर फूड शामिल करेंगे। दोस्तों हमने मीडियम हाई फ्लेम कर ली है और इसे बॉयल आने देना है और थोड़ा सा जैसे पानी रिड्यूस होता है हम इसे दम पर लगाएंगे 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए। और हमने 1/2 इंच के करीब जो है नाखून, जब इसके अंदर पानी रह जाएगा तो तब हमने इसे दम पर लगाना है।
नहीं जी दोस्तों, देखिए पानी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है दोस्तों, तकरीबन आधे नखों के करीब पानी रह गए। अब यहाँ पे हम इसके अंदर जो मेवे मैंने पानी में भिगो के रखे थे, मैंने पानी डिस्कार्ड कर दिया, अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। और आंच हम बिल्कुल दम वाली कर देंगे, यानी सिमर करेंगे। और 10 से 15 मिनट तक हम इसे ढक देंगे। मिनिमम आपने इसे 15 मिनट लाजमी देने, 10 मिनट बाद आप चेक कर लीजिए, अगर ना हुए तो 15 मिनट आपने लाजमी देने। और ये बिल्कुल ना कच्चे रहेंगे ना ज़्यादा गलेंगे, ये बिल्कुल एक्यूरेट जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, यानी हाफ नाखून के करीब आप पानी छोड़ेंगे तो आपके ये चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो अलग से आपको शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अक्सर चावल कच्चे रह जाते हैं। इस तरीके के साथ बनाएंगे तो आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। वो किसी भी किस्म के आप बनाएंगे, मतंजे बनाएंगे या जर्दा बनाएंगे या किसी भी किस्म के मीठे चावल बनाएंगे तो आपके चावल ख़राब नहीं होंगे। चलो दोस्तों, मैं आपको 15 मिनट के बाद मिलता हूँ। लेकिन दोस्तों तकरीबन 50 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, शीशे में से भी नज़र आ रहा है चावल हमारे बिल्कुल हो चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है। इसे चेक करते हैं, ये देखिए चावल को चेक करते हैं क्या है, कच्चे तो नहीं है। देखिए दोस्तों बिल्कुल गल चुके हैं। चलो दोस्तों, मैं इसे डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारे बहुत ही मज़ेदार पंजाबी स्टाइल में किशमिश वाले यानी मेवा वाले जरदा तैयार है दोस्तों। बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी बना है दोस्तों। आपने इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है, कोई अलग से शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके चावल कच्चे रहेंगे और ना ही ज़्यादा गलेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। देखिए कितने ज़बरदस्त खले खले चावल बने हमारे, और इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है सब्ज़ इलायची का। सब्ज़ इलायची दिल को ताकत देती है। जो कोकोनट हमने शामिल किया इसके अंदर फाइबर है, ये कब्ज़ नहीं होने देती। इसी तरह रेजन्स की अंदर भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है, खून पैदा करते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छा है, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। किशमिश जो हमारा है मेवा, तो मीठी चीज़ वैसी जो है अच्छी लगती है, मज़े की लगती है दोस्तों। जब भी आपके फैमिली फ्रेंड्स आएँ, कोई महफिल हो, कोई दावत हो, तो उसके अंदर आप ये बना कर उन्हें खिलाएँ तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो इसमें जो हमने मिल्क पाउडर यूज़ किया है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका ज़रदा मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगा, यमी बनेगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी, आपने इसे ज़रूर बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये किशमिश वाला जो ज़रदा है, यानी मेवे वाला ज़रदा मैंने जो रेसिपी आपको दी है, पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कॉमेंट्स करना और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे दोनों चैनल के बारे आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।